बन जाए। चना चना टिकट। हाँ टिकट है ना, टिकट ये लो टिकट। अरे ये टिकट तो कंफर्म नहीं है, क्या बात कर रहे हो? एक भी सीट खाली नहीं है, जिस सीट पर आप लोग बैठे हैं उसके यात्री अगले स्टेशन पर आने वाले हैं। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर दरवाजे के पास यात्रा कीजिए या फिर जनरल डब्बे में चले जाइए। अरे कृष्णा क्या है ये सब? कहा हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं है और तुम हमें ऐसे ही मुंबई ले चल रहे थे। अरे यार बाबू, अब एकदम से ही प्लान बन गया ना, तो फिर हो ही नहीं पाया रिजर्वेशन, तो बाकी अब कोनो बड़ी बात नहीं, अभी कराए थे ना कोनो। हाँ लेकिन तुमने हमें प्रॉमिस किया था ना कि तुम टिकट्स को कंफर्म करवा लोगे। अरे तो हमका थोड़ी पता था यार कि ऐसे हो ही जाएगा, बाकी तुम रुको ना, चिंता नहीं करो, 2 मिनट में करवा देते हैं। वैसे आप चाहेंगे तो एक सीट की व्यवस्था हो जाएगी। अरे तैयारी कोनो पूछ वाली बात है, जल्दी से कराए दे व्यवस्था। एक मिनट कृष्णा, देखिए अभी अभी आपने कहा ना कि सारी सीट रिजर्व है और एक भी सीट खाली नहीं है, हमें इसलिए आगे जनरल डिब्बे में जाना होगा, तो फिर आप हमारे लिए टिकट्स की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? बात तो बिल्कुल सही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, सीट खाली भी नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए एक सीट की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ समझ गए हम। हमें क्या करना होगा? अरे बाबू देखो यार, हम है ना, हम बात करते हैं, तुम काहे परेशान हो रही हो, हम बात करते हैं। नहीं कृष्णा, आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं? रिश्वत? आप कैसी बात कर रही हैं? एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हम पर ही रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप देखता हूँ, बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा कीजिए, वरना जनरल डब्बे में चले जाइए। 5 मिनट बाद आकर वापस चेक करता हूँ, अगर दिखाई दिए तो पेनल्टी लगा दूंगा। अरे सुनो, अरे यार बाबू कहा कह दी यार तुम, मतलब बना काम बिगड़ गवा ना, हम कराए देते भी हो जाता इंतजाम, मतलब पापा आप घर की हालत देख ही रहे हैं, हमारी कोई नौकरी नहीं है, आप ही कमाई से पूरा घर चल रहा है। अब ऐसी हालत में हम किसी और को इस घर में रखेंगे तो शायद सही नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि इससे हमारी परेशानी और बढ़ जाएंगी? देखो बेटा ऐसा है कि, और वैसे भी पापा आप जिसे लेकर आए हैं उसे हम रखेंगे कहाँ? अब घर में इतनी जगह तो है नहीं कि उसके रहने की व्यवस्था कर ले। पापा आप उसे कहिए कि वो अपने रहने का इंतजाम ना कहीं और कर ले। हाँ देखो बेटा बात ये है कि बहुत परेशान है बेटा, और उसे हम ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। उसके पिता के हम पर बहुत एहसान है, और जहां हम इतने लोग एक साथ रहते हैं वहां वो भी हमारे साथ रह लेगा यहीं पर। अरे बच्चों इसमें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है भाई, एक दो रोज वो यहां हमारे साथ हमारे कमरे में रह लेगा, उसके बाद बेटा तुम स्टोर रूम साफ कर देना, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। स्टोर रूम और उसकी सफाई हम करेंगे? नहीं पापा, वहां कितनी धूल और गंदगी होती है। नहीं नहीं पापा प्लीज, हमसे नहीं होगा बेटा। देखा ऋषि, तू परेशान मत हो, स्टोर रूम की सफाई हम कर लेंगे। अरे कितने एहसान हैं उनके बापू के हमारे श्यामू पर, ठीक है ना, अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि कमरा भी साफ ना कर सके। अरे माँ आप क्यों सफाई करेंगी? नहीं
आप सफाई नहीं करेंगे, हम। हाँ हाँ दादी, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, हम कर लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस। हम ना तुम्हारे लिए बांसुरी लाए, हमने तुम्हारी बांसुरी तोड़ दी थी ना, ए ले ले। हमका पता है सब देवता पितर से बढ़कर है तुम्हारी बांसुरी तुम्हारे लिए, है ना, ए ले ले। अब तो खुश है कि ना? अरे तो खुश है तो खुश दिखाए का ही नहीं देता, चेहरे का भाव का ही नहीं बदलता, तू दुख में भी हुई सुख में भी हुई एक जैसा चेहरा बना के रखता है, पत्थर है तू कारे, पत्थर महादेव। मुँह ठीक तो हो ना? यार हमका ना ऐसे देख के अजीब लग रहा है, हमका लग रहा है तुम्हें बहुत तकलीफ में बैठे, हमारी वैसे ही सब यार, हम कोनो दूसरा ट्रेन कर लें हैं? हम तो सोच रहे हैं ट्रेन की जो चेन खींच के ना एक रोक देते हैं, अरे कोनो दूसरी गाड़ी चले जाएंगे यार, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, ऊपर से हमें तो ऐसे बैठने में मजा आ रहा है, हम तो चाहते हैं कि हम पूरी रात इसी तरह से बैठकर तुम्हारे साथ बातें करते रहें। संभल के यार। वैसे बाबू एक बात बताएं, बात तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो, हमारा भी यही मन है कि हम जो है पूरी रात बैठ के ना तुमसे बस ऐसी बतियाते रहें, कुछ भी ना। जानते हो कृष्णा, हमारी तुमसे मुलाकात की वजह भी ये ट्रेन ही है। ट्रेन मतलब कैसे? जब हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके लखनऊ से इलाहाबाद ट्रेन में वापस आ रहे थे ना, हमारे साथ ट्रेन में अंगद भी था, उसने हमारे साथ बदतमीजी की जिसके लिए हमने उससे जोर से थप्पड़ भी मारा था, और उसी बात का बदला लेने के लिए उसने हमें परेशान करना चाहा, और जब वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सका ना, तब हमें परेशान करने के लिए वो तुम्हें बीच में ले आया। हाँ बाबू यार तो है, बहुत ही बहुत घटिया आदमी था, एकदम लीचर गुंडा ससुर एकदम कम, मतलब बता रहे हैं यार, हमेशा गलत ही सोचता था और गलत ही करता था, बाकी एक काम तो बहुत सही किया ससुर, देखो वो ऐसा है कि अपने मामला में जो है हमका लेके आएगा, और उनकी वजह से जो है हमका तुम मिले, है सोच के देखो, है ना, एकदम एकदम फिल्मी कहानी जैसा हमारा प्रेम है कि नहीं, है ना, है मानती है?